पिछले क्लास में हमने डाटाबेस फाइल को ओपन करना, डाटाबेस फाइल के अंदर जो रिकॉर्ड रखे गए हैं उनको देखना, साथ ही रिकॉर्ड नंबर जो आपको दिखाई दे रहा है उसको कैसे रिमूव करेंगे और फील्ड हेडिंग को कैसे रिमूव करेंगे, इसके साथ हमने डाटाबेस फाइल को बंद करना बताया था। तो आज का हमारा टॉपिक होगा विजुअल फॉक्स प्रो के अंदर कि अगर डाटाबेस फाइल हम बना रखे हैं तो उसके अंदर हमको और अधिक रिकॉर्ड अगर ऐड करना है, डाटा ऐड करना है, तो हम कैसे करेंगे। हमारा पहला टॉपिक है एडिंग मोर रिकॉर्ड इन डाटाबेस फाइल। दूसरा जो विकल्प आपका है शो द स्टेटस बार ऑफ द डाटाबेस फाइल और सर्चिंग फॉर स्पेसिफाइड रिकॉर्ड। किसी निश्चित रिकॉर्ड को अगर हमें देखना हो तो हम कैसे देखेंगे और फॉक्स प्रो से अगर हम बाहर आना चाहते हैं तो हम कैसे आएंगे। तो फॉक्स प्रो को हमने ओपन कर रखा है, आप देख सकते हो। सबसे पहला काम आपको करना पड़ेगा कि अगर आपको अपने डाटाबेस फाइल के अंदर रिकॉर्ड को ऐड करना है और अधिक रिकॉर्ड को जोड़ना चाहते हो तो आप सबसे पहले आप अपने डाटाबेस फाइल को ओपन कर लीजिएगा। आपको याद होगा डाटाबेस फाइल को ओपन करने के लिए हमने कमांड दिया था यूज़, कैपिटल या स्मॉल, आपको यहाँ लिखना होगा यूज़, और फाइल का नाम जो आपने दिया था हमने दिया था स्टूडेंट्स। जैसे आप इंटर करेंगे स्टेटस बार में आप देख सकते हो कि स्टेटस आपका दिखाने लगा है फाइल का, यानी आपकी फाइल का नाम दिखा रहा है, किस ड्राइव के अंदर, किस फोल्डर के अंदर और आपकी फाइल के अंदर कितने रिकॉर्ड हैं, ये आपको यहाँ स्टेटस बार में दिखाई दे रहा है। अब देखिए यूज़ करने से फाइल ओपन हो चुकी है लेकिन आपको रिकॉर्ड दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसके लिए हमने आपको लिस्ट कमांड का यूज़ बताया था यूज़ करना है। इसके बाद आपको लिस्ट कमांड यूज़ करना है। लिस्ट कमांड का यूज़ करते ही देख सकते हैं कि वो सभी रिकॉर्ड जो आपके डाटाबेस फाइल के अंदर रखे गए हैं वो दिखाने लगा है। अगर हम चाहते हैं, इसमें 5 ही रिकॉर्ड है आप देख पा रहे होंगे, अगर हम चाहते हैं कि इसमें और अधिक रिकॉर्ड को हम ऐड करें तो हम आपको एक कमांड बताते हैं। एक कमांड आपको यूज़ करना पड़ेगा, लिखना होगा APPEND। डाटाबेस फाइल को ओपन करने के बाद जब आप अपेंड कमांड का यूज़ करेंगे तो आप देख सकते हैं कि डाटा को और अधिक ऐड करने के लिए आपका विकल्प विंडो खुल चुका है। देख सकते हैं कि जिस तरह हमने डाटाबेस फाइल को बनाते समय और रिकॉर्ड को ऐड करते समय जो हमारे सामने विंडो खुल के आई थी, वही विंडो आज भी फिर से खुल के आया है। हाँ, इस फाइल के अंदर जो पहले रिकॉर्ड है आप यहाँ जाके ऊपर की तरफ अप एरो की से आप देख सकते हो कि ये रिकॉर्ड आपने पहले फाइल के अंदर रखा हुआ है। इसमें और अधिक रिकॉर्ड को ऐड करना है, मान लीजिए हमें और भी इसमें नेम ऐड करने हैं, रोल नंबर और सब्जेक्ट के नंबर और डिटेल भरने हैं, तो हम यहाँ एक दो रिकॉर्ड भरते हैं। यहाँ पे हम नाम डालते हैं सुमन, रोल नंबर है यहाँ पे देखिए 5 तक है तो हम यहाँ पे 6 ऐड करते हैं, मैथ का नंबर, फिजिक्स का नंबर, केमिस्ट्री का नंबर, और नीचे आ जाइए एड्रेस में डाल दिया हमने, इसी तरह स्ट्रीट डाला हमने और पिन कोड डाला। फिर से इंटर मारेंगे, इंटर मारते ही आपको अब दूसरा रिकॉर्ड आपसे पूछ रहा है कि दूसरा रिकॉर्ड क्या होगा, तो यहाँ पे डाल देते हैं हम रोल नंबर, यहाँ पे डाल दीजिएगा 7, यहाँ पे मैथ, यहाँ पे फिजिक्स, यहाँ पे केमिस्ट्री, एड्रेस में डालिएगा देवरिया और यहाँ स्टेट डालिएगा UP, पिन कोड डाल दीजिएगा जो भी है वहाँ का, ऐसे कुछ भी हम ऐड कर दे रहे हैं। इतना करने के बाद आप जितना चाहो उतना रिकॉर्ड इसमें ऐड कर सकते हो। इतना करने के बाद अगर आप चाहते हो कि हम डाटाबेस फाइल के अंदर रिकॉर्ड ऐड कर चुके हैं, अब इसको हमें सेव कर देना चाहिए, तो कीबोर्ड से आप Ctrl+W को प्रेस करिएगा। Ctrl+W दबाते ही रिकॉर्ड आपका सेव हो जाएगा। आपकी डाटाबेस फाइल के अंदर अब 7 रिकॉर्ड हो चुके हैं। अब यहाँ स्टेटस बार में आप देख सकते हो 7/7 दिखा रहा है, यानी आपकी फ़ाइल के अंदर 7 रिकॉर्ड हैं और आप 7वें रिकॉर्ड पर चले गए हो, देख पा रहे हैं आप लोग। तो इस तरह हम अपने डाटाबेस फाइल के अंदर और अधिक रिकॉर्ड को ऐड करना चाहते हैं तो हम ऐड कर सकते हैं। एक काम करते हैं, सबसे पहले हम क्लियर कर लेते हैं CLEAR, जो स्क्रीन को क्लियर करेगा। अब यहाँ पे आप दोबारा लिस्ट कमांड का यूज़ करेंगे, लिस्ट लिखेंगे, आल लिखेंगे, तो आप देख सकते हैं कि आपके फाइल के अंदर, डाटाबेस फाइल के अंदर 7 रिकॉर्ड यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, अगर चाहते हो कि हम किसी फील्ड के तहत केवल नेम को देखें तो आप यहाँ पर नेम लिखना, लिस्ट लिख के और इंटर करना, आप देख सकते हैं केवल नेम को डिस्प्ले कर रहा है। क्लियर करते हैं जो पहले कमांड हमने यूज़ किया है। अगर हम चाहते हैं कि लिस्ट करें, लिस्ट नेम कामा एड्रेस, तो आप यहाँ पे लिस्ट लिखने के बाद नेम लिखेंगे और नेम के बाद जो है कामा सेपरेट करेंगे और एड्रेस फील्ड जो आपने दिया है, जैसे इंटर करिएगा तो आप देख सकते हैं कि सभी स्टूडेंट्स के नाम और उनके एड्रेस को यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। अब देख सकते हैं आपका दूसरा टॉपिक है शो स्टेटस ऑफ द डाटाबेस फाइल। वैसे तो आप देख पा रहे होंगे कि आप जब फॉक्स प्रो को ओपन करते हो
तो स्टेटस आपको नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखा रहा है कि आपका फाइल का नाम दिखा रहा है, ड्राइव दिखा रहा है और वो फोल्डर दिखा रहा है जहाँ पे ये फाइल स्टोर की गई है, फाइल रखी गई है और आपकी फाइल के अंदर कितने रिकॉर्ड हैं और आपका करंट स्टेटस क्या है, यानी आपका कर्सर अंतिम रिकॉर्ड पे है, लास्ट रिकॉर्ड पे है। हमें अगर स्टेटस देखना है, अगर हमको ये तो डिफ़ॉल्ट हो गया जो आपके सिस्टम के साथ आता है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम स्टेटस को अलग से ओपन करें, तो एक कमांड आपको यूज़ करना होगा, लिखना होगा सेट स्टेटस ऑन। ऑन लिख के जब आप इंटर मारिएगा, जैसे इंटर करेंगे आप देख सकते हैं कि एक ब्लू रंग की पट्टी आपको दिखाई देने लगी है और यहाँ पे वही चीज़ आपको दिखाई दे रहा है जो फॉक्स प्रो स्टेटस बार में दिखाई दे रहा था। यहाँ देख सकते हैं कि सी ड्राइव है, फाइल का नाम दिखा रहा है, यहाँ पे आपका रिकॉर्ड दिखा रहा है, एंड ऑफ रिकॉर्ड दिखा रहा है, यानी आप अंतिम रिकॉर्ड पे हो और आपकी फाइल के अंदर 7 रिकॉर्ड है। इसके साथ ही आपके कीबोर्ड का नम बटन जो है, नम लॉक बटन जो है वो ऑन है और कैप्स भी ऑन है, ये दिखा रहा है। अब देख सकते हैं कि अगर हम कैप्स ऑन को बंद करते हैं कीबोर्ड से अपने, तो ये हट गया यहाँ से। अगर नम लॉक को भी हम यहाँ से बंद कर देते हैं, तो देख सकते हैं नम लॉक को भी यहाँ से बंद कर दिया गया। इस तरह फिर से हम ऑन कर लेते हैं कैप्स लॉक और नम बटन को। तो सेट स्टेटस ऑन का ऑप्शन यूज़ करके हम अपने डाटाबेस फाइल का स्टेटस देख सकते हैं कि उस फाइल के अंदर कितने रिकॉर्ड हैं, आप किस रिकॉर्ड नंबर पे हो, आपकी फ़ाइल का लोकेशन क्या है, किस ड्राइव के अंदर आपकी फ़ाइल बनी हुई है, ये सब चीज़ें आप स्टेटस ऑन करके देख सकते हो। अगर आप चाहते हो कि स्टेटस को बंद कर दें, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव करना होगा और लिखना होगा सेट स्टेटस ऑफ। लिख के जब आप इंटर मारिएगा तो स्टेटस क्या करेगा, बंद कर देगा। तो ये विकल्प होगा स्टेटस को बंद करना और स्टेटस को ऑन करना। यहाँ तीसरा विकल्प देख सकते हैं, सर्चिंग फॉर स्पेसिफिक रिकॉर्ड। आपको ध्यान देना है कि जब हम लिस्ट कमांड का जब प्रयोग करते हैं, तो आप देख रहे होंगे कि सभी रिकॉर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर हम किसी फील्ड के तहत भी देख रहे हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि उस डाटाबेस फाइल के अंदर जितने रिकॉर्ड हैं वो सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है। अब देखें, अगर हम लिस्ट कमांड का यहाँ प्रयोग करते हैं, आल करते हैं, तो यहाँ सभी रिकॉर्ड आपको दिखाई दे रहा है। हाँ, अगर आप लिस्ट के साथ यहाँ नेम लिखते हो, तो देखिए तब भी आपको सभी रिकॉर्ड दिखाई दे रहे हैं, नाम का ही कॉलम दिख रहा है, लेकिन सभी रिकॉर्ड आपको दिख रहे हैं। हम चाहते हैं कि किसी निश्चित रिकॉर्ड को हम क्या करें, अपने स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करें। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले मैं क्लियर कर लेता हूँ। आपको कमांड यूज़ करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा लिस्ट फॉर, फॉर ऑप्शन का यूज़, यानी फॉर क्लॉज का आपको यूज़ करना पड़ेगा और यहाँ लिखना होगा नेम इक्वल टू डबल कोटेशन में, चूँकि कैरेक्टर टाइप है इसलिए डबल कोटेशन में आपको लिखना होगा। यहाँ पे हमने नाम दिया था रेखा और डबल कोटेशन को आप यहाँ पे क्लोज करेंगे और जैसे इंटर बटन को प्रेस करेंगे, आप देख सकते हैं रेखा जो 7 नंबर रोल नंबर का रिकॉर्ड है, 7वां रिकॉर्ड है आपका, ये डिटेल यहाँ पे शो करने लगा है। इसी तरह अगर हम पिन कोड से सर्च करना चाहते हैं, एड्रेस से सर्च करना चाहते हैं, तो हम रिकॉर्ड को सर्च कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि पिन कोड 2747702 के सभी रिकॉर्ड आपको डिस्प्ले करें। अब देखिए, हम यहां पे लिखेंगे लिस्ट फॉर, यहां लिखेंगे पिन इक्वल टू 274702। जैसे इंटर करेंगे, हाँ ये एक चीज़ देख लें आप लोग, इसको डबल कोटेशन में नहीं लिखना क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यू है। इसको मैंने डबल कोटेशन में इसलिए लिखा था कि कैरेक्टर टाइप है। आपको डाटाबेस फाइल बनाते समय हम बता चुके हैं कैरेक्टर टाइप और न्यूमेरिक टाइप, यानी जहाँ पे डाटा नंबर के रूप में ऐड होगा वो न्यूमेरिक टाइप होगा और जहाँ पे डाटा अल्फ़ाबेट्स टेक्स्ट के रूप में ऐड किया जाएगा वो कैरेक्टर टाइप होगा। तो कैरेक्टर को अगर आप लिख रहे हो तो डबल कोटेशन के अंदर आपको इस तरह लिखना पड़ेगा, और अगर नंबर लिख रहे हो तो आपको केवल नंबर लिख देना है और जैसे आप इंटर करेंगे आप देखेंगे 2747702 के जो पिन कोड वाले रिकॉर्ड हैं आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ देख सकते हैं कि 2 रिकॉर्ड हैं, पहला रिकॉर्ड अजय कुमार का है और चौथे नंबर का जो रिकॉर्ड है आपका वो संजय कुमार का है, और यहाँ देख सकते हैं कि इसका पिन कोड आपको यहाँ पर शो कर रहा है। इसी तरह अगर आप एड्रेस से सर्च करना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्या करोगे, लिस्ट लिखोगे, लिस्ट लिखने के बाद आपको यहाँ लिखना पड़ेगा फॉर और यहाँ लिखना पड़ेगा EDDRESS, जो फील्ड नेम जो कॉलम नेम के अंदर जो स्पेलिंग आपने दिया है उसी स्पेलिंग को लिखना है। शॉर्ट नेम ऐसा नहीं कि एड्रेस आपने लिख दिया ADD लिख दिया तो कमांड रन नहीं करेगा। जो डाटाबेस के अंदर कॉलम का स्पेलिंग है वही स्पेलिंग आपको यहाँ पर टाइप करना है। तो मैं यहाँ पे सर्च करने जा रहा हूँ
भाट पार, डबल कोटेशन को हमने यहाँ पे क्लोज किया और जैसे इंटर करेंगे आप देख सकते हैं कि भाट पार का रिकॉर्ड आपके सामने आ चुका है। तो इस तरह हम चाहें तो जिस फील्ड के तहत जो भी हमारे डाटाबेस फाइल के अंदर जो कॉलम बने हैं उसके तहत हम रिकॉर्ड को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, उस रिकॉर्ड को हम शो कर सकते हैं। यही था हमारा चौथा विकल्प जो हमने आपको बताया कि इस सर्च कर सकते हो किसी भी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को लिस्ट कमांड का यूज़ करते हुए, लिस्ट फॉर का यूज़ करते हुए आप ये यूज़ कर सकते हो। अब आप देख सकते हो कि चौथा विकल्प यहाँ पे क्विट फॉक्स प्रो विंडो का ऑप्शन दिया गया है। अगर हम चाहते हैं कि जो फॉक्स प्रो विंडो आपके सामने खुला हुआ है इस विंडो को हम क्लोज़ कर दें तो इसके लिए दो ऑप्शन हम आपको बताते हैं। एक तो कमांड से आप क्लोज़ कर सकते हो और एक फाइल के अंदर भी जाके आप देख सकते हो यहाँ एग्ज़िट का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से भी हम इस विंडो को क्लोज़ कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको कमांड विंडो से बंद करना चाहते हो इस पूरे एप्लीकेशन को तो आपको एक कमांड यूज़ करना पड़ेगा, कमांड होगा क्विट। देख सकते हैं ये कमांड आपको लिखना होगा क्विट, और क्विट लिख के जैसे आप इंटर बटन को प्रेस करेंगे फॉक्स प्रो विंडो बंद हो जाएगा। ये आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का है जिस पे हमने ये टॉपिक लिया हुआ है। बाकी आप देख सकते हैं कि आपका फॉक्स प्रो विंडो क्लोज हो गया है। तो इस तरह हमने आपको आज के क्लास में विजुअल फॉक्स प्रो के अंदर ये हमने चार टॉपिक आपको दिए जिसमें हमने आपको बताया कि आप अपने डाटाबेस फाइल के अंदर रिकॉर्ड, नए रिकॉर्ड को जोड़ना चाहते हो या और अधिक रिकॉर्ड को जोड़ना चाहते हो तो आप कैसे जोड़ोगे। साथ में हमने आपको बताया कि अपने डाटाबेस फाइल को अगर हम चाहते हैं कि उसका स्टेटस को देखें, उस डाटाबेस फाइल का स्टेटस क्या है, तो ये आप ये कर सकते हो। इसके साथ ही अगर किसी निश्चित रिकॉर्ड को किसी निश्चित कॉलम के तहत अगर आपको सर्च करना है तो आप सर्च कर सकते हो। और चौथा जो अंतिम विकल्प है जिसमें हमने आपको फॉक्स प्रो विंडो से बाहर आना बताया।